हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं जीतू बारी अपनी चैनल गुरु कोचिंग में आप सभी लोगों का हृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने बताया क्या क्या है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई तक आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी क्या करें, कैसे करें, और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और जो कुछ मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा उस तरह से उन स्टेप को लेकर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आप खुद चेक करना। तो चलिए चलते हैं, इसमें देर ना करें, हम अपने मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं एग्जाम में, आप लोगों को सबको मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और करंट अफेयर, ये पांच टॉपिक आपके पांच सब्जेक्ट हैं। बेसिकली पांच सब्जेक्ट हैं जो आपके एनटीपीसी में भी आएंगे और ग्रुप डी में भी आएंगे। अब बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, आपको मालूम है करोड़ों में फॉर्म फिल हुए हैं और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, तो इनमें सबसे ज्यादा कमांड किस पे होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि पांच जो सब्जेक्ट हैं इनमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनके बिना सिलेक्शन होना नामुमकिन है, जिन पे कमांड अगर नहीं है आपको तो आपका रेलवे में सिलेक्शन होना नामुमकिन है? वो दो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग। पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको मैथ रीजनिंग पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैथ करंट अफेयर का इसमें पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, लगभग आपको मालूम है कि पिछली बार देखा जाए जब इसका पिछली बार पेपर हुआ था और अभी का देख लीजिए, अभी आरआरबी एएलपी का हुआ था, लोको पायलट का और ग्रुप डी का हुआ था, इसमें आप देख सकते हो कि करंट अफेयर के हर पेपर में, मतलब जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे पर डे की सभी शिफ्टों में लगभग मिनिमम 10 क्वेश्चन थे, तो करंट अफेयर का बहुत ज्यादा पोर्शन रहेगा और करंट अफेयर पर जो लोग फोकस करेंगे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जीके मत पढ़िए, जीके को छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोर्शन होता है और इसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं। कहने का मतलब आपको इतिहास, भूगोल, संविधान ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके जो पुरानी रहती है जीके, है ना, वो सब कुछ पढ़ोगे, इसके बाद जो कुल मिला के 5 या 6 नंबर का पोर्शन आएगा, लेकिन करंट अफेयर बहुत ज्यादा आएगा, बहुत कम करंट अफेयर है। आप ऑनलाइन भी यूट्यूब से कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हो, अच्छे से उसको लर्न कर सकते हो, करंट की बातें रहती हैं तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और मार्क्स ज्यादा गेन कर लोगे। तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है आपको सिलेबस नोट डाउन करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी साइट वालों ने पिछली, देखिए यहाँ पर ये टेस्ट बुक नाम की वेबसाइट है, इसने आपको पूरा बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स में कौन सा आपका जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग कौन कौन से है यहाँ पर, जैसे सिंप्लीफिकेशन है तो 4 से 5 नंबर वेटेज रखता है, बिल्कुल आता है, ज्यादा ही आएगा इससे, ठीक है। इसके अलावा सारे जितने भी आपके मैथ के टॉपिक हैं, और ये किसके लिए है, ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, तो सिलेबस में मैथ में कौन कौन से आपके आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से आने चाहिए, एवरेज हो गया, प्रॉब्लम्स ऑफ एज, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, एलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, इनकी वेटेज ज्यादा है, पिछली बार के पेपर को उठा के देखोगे आप, तो इस हिसाब से आप नोट कर दीजिए। आपको पूरी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए जितना इसमें लिखा हुआ है, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर प्रॉब्लम। रीजनिंग में कौन कौन से स्कोरिंग है देख सकते हो, वहां पे सीरीज के 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग की 0 से 2, इस टाइप से लिखा हुआ है सबका। ऐसे ही आपको ये साइंस का लिखा हुआ है, देखिए एनवायरमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का 0 से 1, ये सब लिखा हुआ है, और ये सिलेबस है, बेसिक ये प्रॉपर सिलेबस दिया है। आपको मैंने अभी बताया था कि जो रेलवे एनटीपीसी ने सिलेबस दिया है साइंस का वही सिलेबस है, जबकि हम स्टार्टिंग से एंड तक सभी टॉपिक को उसको पढ़ते जाते हैं। देखो लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एंड एनर्जी, ये आपको मालूम है फिजिक्स के टॉपिक है। इसके अलावा आपको कुछ कोई और दिख रहा है फिजिक्स का टॉपिक, एक आधा और होगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, एक हो गया, बस फिजिक्स खत्म हो गई, तो आपको क्या फिजिक्स पूरी पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, इन्हीं टॉपिक को देखना है बस आपको। इसी प्रकार आपको ग्रुप डी का सिलेबस देख लीजिए, आपको पूरा कि जनरल साइंस कितने मार्क्स के, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 25 25 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। आप देख सकते हो करंट अफेयर आपको 20 मार्क्स की स्पेशली आ रही है, इसमें ये लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर,
20 मार्क्स की इसमें थोड़ी बहुत आपकी स्टैटिक जी की भी रहेगी और जनरल साइंस 25 मार्क्स की अलग से रहेगी। तो आप साइंस का और करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो यदि आपको मैथ और मैथ और रीजनिंग अच्छे से आती है तो इसके अलावा आपको किस पर फोकस करनी है, मैथ और साइंस अच्छे से आती है, मैथ और रीजनिंग अच्छे से आती है तो इसका मतलब ये नहीं है आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है यदि आपने साइंस और करंट अफेयर पर फोकस और कर लिया, जीके को अगर जीके की प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, जीके को पूरे को स्किप कर सकते हो, क्योंकि साइंस और करंट अफेयर पर फोकस अच्छे से कर लिया तो 110% आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए बस एक स्टेप और लेना है आपको, वो क्या है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्योंकि वो आपको बताता जाएगा। जब आप डायरेक्ट एग्जाम में जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं देते, उससे होता क्या है कि उन्हें लगता है कि शायद उनकी तैयारी बहुत अच्छी है मैथ में, किसी टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात होती है, जब एकदम रैंडमली आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करना अलग बात होती है। तो जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बैठ के देते हो तो आपको सामने एकदम क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का आ गया कोई भी क्वेश्चन, तब आपको मालूम रहता है कि आप पे वो बन रहा है कि नहीं। अगर आपके दिमाग में बैठा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, आप पढ़ने बैठोगे उसको फॉर्मूले वगैरह याद कर लोगे फिर सॉल्व करोगे हो जाएगा सॉल्व, लेकिन रैंडमली सभी टॉपिक से वन बाई वन आपके सामने क्वेश्चन फेच होते जाएंगे और आते जाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको सच में वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऐसे पढ़ना अलग बात होती है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करना। तो पहली बात मैथ रीजनिंग पे फोकस करो अच्छे से, अगर इन पे आपको मैथ और रीजनिंग पर कमांड है फिर आप साइंस और करंट अफेयर पर ध्यान दो, जीके को बिल्कुल ना पढ़ो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो अभी से, और अभी से कोशिश करो कि दिन में लगभग एक एक टॉपिक इन सब का करने की कोशिश करो, दिन का टाइम टेबल बनाओ कि हमें आज कितना पढ़ना है, और अपने पास एक सिलेबस का प्रिंटआउट जरूर रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं साइंस का या रीजनिंग का या मैथ का किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे होते हो जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आ रहा होता है, क्योंकि आप क्या होते हो आपको लगता है कि फिजिक्स आ रही है तो हमें फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है वो भी तो देखो, फिजिक्स इंपोर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट है, साइंस ही पूरी इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको लगता है कि पूरी बायोलॉजी पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने सारे चैप्टर होंगे कि आपको पढ़ते पढ़ते आप उसी में टाइम चला जाएगा आपका पूरा, तो इसलिए ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।